सोमवार को शादियाबाद थाने के पास अचानक पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग को भूल थाने का घेराव किया और थानाधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल ये पूरा मामला एक मारपीट की घटना से जुड़ा है, जिसे लेकर भीम आर्मी ने शादियाबाद थाने का घेराव किया। इस घेराव का नेतृत्व भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष विनय सागर ने किया। आइए पहले विनय सागर से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैं विनय सागर, वाराणसी मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी व प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य, आज शादियाबाद थाने के सामने गाजीपुर की टीम के साथ यहाँ धरने पे मैं बैठा हुआ हूँ। कारण यह है कि 8 तारीख के दिन रात्रि के 11 बजे उरैनी ग्राम सभा के रकबा मौजा में कुछ दबंगों द्वारा दलित बस्ती में घुसकर दबंगई की जाती है। केशव जी एक दलित हैं, चमार जाति के हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उनको धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया जाता है। उनके बांह के नीचे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और शादियाबाद के थाना अध्यक्ष और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनकी FIR तक दर्ज नहीं की। मजबूरन भीम आर्मी को इस मामले को देखना पड़ा और आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो विरोधी है, जिसने इस तरह का कृत्य किया है, जो दबंगई किए हैं, रात में घर में घुस के, गांव में घुस के जो है कि उनको मारे पीटे हैं, गाली गलौज दिए हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कर जो कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से उनको जेल भेजा जाए। विनय सागर के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने 6 जून को थाना शादियाबाद प्रभारी से मुलाकात की थी। थाना अध्यक्ष ने शाम तक FIR दर्ज करने का वादा भी किया था, लेकिन FIR नहीं हुई। इसके बाद मंडल अध्यक्ष विनय सागर के नेतृत्व में भीड़ ने थाने के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन सुबह 10 से 1 बजे तक चलता रहा। इस बीच थानाध्यक्ष संजय वर्मा ने आकर समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, धरना खत्म करें, FIR की कॉपी दे दी जाएगी। इसके बाद भी लोग नहीं माने और FIR की कॉपी मिलने तक धरने को जारी रखने की बात कही। पुलिस की तरफ से जब FIR की कॉपी विनय सागर को दे दी गई, तब प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने तहरीर के हिसाब से SC ST एक्ट में 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष संजय वर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, वीडियो फुटेज देख उन सभी पर केस किया जाएगा। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।